हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे से हैं ना? ओके, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। दिस इज़ आवर इंग्लिश बुक एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर थ्री अरुषि एंड हर वोकेशन, यानी अरुषि और उसकी छुट्टियां, है ना। उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 23 एंड 24। इसमें हमने पढ़ा ना किस तरह से अरुषि जो है अपने टाइम को वेस्ट कर रही थी, तो अरुषि की मम्मा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, है ना। हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा ना आंट गीता, देयर इज़ अ बॉक्स इन द क्लोज़ेट। वो अपनी आंट के पास जाती है ना, उनकी आंटी रहती हैं जो एक गली से होकर ये लोग जाते हैं, तो वहाँ पर रहती हैं ना, और उसके पास अरुषि जाती है, तो वहाँ पे आंट गीता रहती हैं। देखिए यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे, देयर इज़ ए बॉक्स इन द क्लोज़ेट, इट हैज़ डॉल्स एंड अ डॉल हाउस इन इट, टेक इट, है ना। तो आंट गीता, आंट जो उनकी आंटी, ऋषि की आंटी रहती हैं, गीता वो कहती है ना, कोठरी में एक बक्सा है, इसमें गुड़िया और गुड़िया का घर है, इसे ले लो, टेक इट मीन्स ले लो। ओके, चलिए अब हम लोग इसके बाद पेज नंबर 25 को रीड करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं 25 में। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अरुषि लव्ड गोइंग टू आंट गीता। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अरुषि लव्ड गोइंग टू आंट गीताज हाउस, मतलब इसका मीन्स होगा अरुषि को चाची जो उसकी आंटी थी, आंटी गीता के घर जाना बहुत पसंद था। ओके, शी प्लेड विद द कैट्स, सी प्लेड विद द कैट्स, वह जो है वह बिल्लियों से खेलती थी। शी प्लेड विद द डॉल्स, वह गुड़ियों से खेलती थी। वैन द वोकेशन वॉज ओवर, जब छुट्टियां खत्म हो गईं, अरुषि आस्क द आंट गीता टू गिव हर अ कैट। अरुषि जो है, जब उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई, तो अरुषि ने आंटी गीता यानी चाची गीता से उसे एक बिल्ली देने के लिए कहा। आंट गीता वॉज वेरी हैप्पी टू गिव ऑन टू हर, जो आंट गीता थी, देखिए यहाँ लिखा ना, आंट गीता वॉज वेरी हैप्पी टू गिव वन टू हर, जो उसकी आंटी थी, आंट गीता ने चाची जो है, चाची गीता, उसे यह देकर बहुत खुश हुई। मतलब अरुषि ने एक बिल्ली मांगी जब उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी ना, तो जो उसकी आंटी गीता थी, गीता आंटी, उसे बिल्लियां दे कर के बहुत खुश हुई। ठीक है, अरुषि नेम्ड द लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके आगे अरुषि नेम्ड द कैट समर, तो जो उसको बिल्ली मिली थी, अरुषि ने उसका क्या नाम रखा, उसका नाम उसने समर रखा। ठीक है, अरुषि ने बिल्ली का नाम समर रखा। शी थैंक्ड टू मदर, उसने अपनी माँ को धन्यवाद दिया। अरुषि हैड लर्न दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अरुषि हैड लर्न दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। अरुषि ने सीखा कि दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना ज़रूरी है। ओके, क्या सीखा इसमें? अरुषि ने ये सीखा कि दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना ज़रूरी है। ओके, चलिए हम लोग इसको, आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, इस लेसन को, कि अरुषि ने कैसे अपनी वोकेशन को अच्छा बनाया, है ना। और उसने क्या सीखा? उसने ये सीखा कि अपने दोस्तों से और अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है ना, और अच्छा है। चलिए हम लोग, हमारा ये चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं ये, और इसमें हम लोग वर्ल्ड पावर पढ़ेंगे। वर्ल्ड पावर देखिए दिया हुआ है, इसे आप पढ़िएगा और इसको समझेंगे और इसे अपनी कॉपी में राइट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे LANE, लेन। लेन इसका मीन्स होगा अ नैरो स्ट्रीट,
यानी कि एक सकरी गली, ठीक है। फिर है क्लोजेट, CLOSET, क्लोजेट। क्लोजेट मीन्स होगा अलमीरा, AMIRAH, अलमीरा। फिर है देखिए FREQUENTLY, फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली मीन्स होगा रेगुलरली, वे ऑफन, REGULARLY, रेगुलरली, WAY, वे, OFTEN, ऑफन, वे ऑफन। रेगुलरली भी होगा इसका मीन्स फ्रिक्वेंटली का, और वे ऑफन भी होगा, ठीक है। यानी कि रेगुलरली मीन्स होगा नियमित रूप से, या ऑफन, वे ऑफन मीन्स अक्सर, नियमित रूप से, ठीक है। यानी कि जो काम बार बार किया जाता है। फिर है वकेशन, VACATION, वकेशन मीन्स जानते हो ना, समर वकेशन होता है ना आप लोग का, यानी गर्मियों की छुट्टियां, तो वकेशन मीन्स होगा छुट्टियां, या हॉलीडे, हॉलीडे, HOLIDAY, हॉलीडे। REQUESTED, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड मीन्स क्या होता है, अनुरोध करना ना, किसी से कुछ भी रिक्वेस्ट करना, यानी कि अनुरोध करना मीन्स होगा, रिक्वेस्टेड मीन्स होगा। देखिए यहाँ पे टू आस्क द समथिंग पोलाइटली, कुछ भी जो है था बहुत शिष्टता पूर्वक, यानी आदर के साथ कुछ मांगना, ठीक है। पोलाइटली मीन्स होगा बहुत ही प्यार से, टू आस्क फॉर समथिंग, कुछ भी, कुछ आदर से के साथ कुछ मांगना, ठीक है। रिक्वेस्टेड मीन्स होगा टू आस्क फॉर समथिंग पोलाइटली, ओके। इसको सब लोग अपनी कॉपी में इसको राइट करेंगे और इसको लर्न करेंगे, वर्ल्ड पावर को, ओके। फिर से देखिए, लेन, अ नैरो स्ट्रीट, क्लोजेट, अलमीरा, फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, वे ऑफन, वकेशन, अ हॉलीडे, रिक्वेस्टेड, टू आस्क फॉर समथिंग पोलाइटली। क्या होगा, टू आस्क फॉर समथिंग पोलाइटली। All of you understand? Okay, good. सारे बच्चे अच्छे हैं, सबको समझ में आ गया होगा ना। सब लोग इसे अपनी कॉपी में राइट करेंगे, वर्ल्ड पावर को, ओके। और ये बुक का जो लेसन है आरुषि वाला, आरुषि एंड हर वकेशन, इसको आप लोग रीड करेंगे, ओके। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।